हेलो दोस्तों, तो आज हम उपमा बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दिए थे। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को 2 मिनट तक हम गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम सरसों डालेंगे और जीरा, उसके बाद मिर्चा डालेंगे, आधा प्याज डालेंगे, काजू, टमाटर, बादाम, करी पत्ता। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर कर हम इसे 2 मिनट तक इसे हम भूंजेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चीनी, हल्दी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर को भी हम डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये हमारा अच्छे तरीके से भुंजा गया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और आधा नींबू इसमें निचोड़ेंगे। और फिर इसमें हम सूजी को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स कर कर इसे हम 5 से 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो हमारा उपमा पक गया है और हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी इसमें सूख जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये हमारा उपमा बनकर तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी एक बार बनाकर ट्राई करें। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।